खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। राजा ने गौतम बुद्ध से कहा, आपने साधारण लड़की को क्यों चुन लिया? इसमें तो कुछ भी खास नहीं दिखता, क्या ये इतना विशाल साम्राज्य संभाल पाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, राजन, इस लड़के ने जवानी की 5 कठिन परीक्षाओं को पार किया है, आप इसे निश्चिंत राजा घोषित कर दीजिए। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक राजा आया और बोला, हे महान ज्ञानी पुरुष, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं विशाल साम्राज्य का राजा हूँ पर संतानहीन हूँ। मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों में बहुत गुण है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे युवराज घोषित करूं। योग्य राजा होगा तो प्रजा भी खुश रहेगी, इसलिए योग्य लड़का ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। कुछ देर मौन रहने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, राजन, तुम एक प्रतियोगिता का आयोजन करो, जो युवा इन परीक्षाओं को पार करेगा वही तुम्हारा सही उत्तराधिकारी होगा। राजन ने पूछा कि परीक्षा क्या होगी, तो गौतम बुद्ध ने राजा के कान में परीक्षाएं बताई। राजा को संदेह हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा, आप निश्चिंत रहो, इस परीक्षा को आसानी से पार नहीं किया जा सकता। राजा ने गौतम बुद्ध की बात मान ली और प्रतियोगिता की घोषणा कर दी, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हष्ट पुष्ट हो या विकलांग, कोई बंदिश नहीं है, हर युवक का स्वागत है। प्रतियोगिता के दिन करीबन 100 लड़के महल के बाहर इकट्ठे हुए। सब नौजवानों से कहा गया कि आज आप लोग महाराज से मुलाकात करेंगे, महाराज के साथ इंटरव्यू भी होंगे, इसलिए सबसे पहले खुद को तैयार कर लीजिए। पहला दरवाजा खेल, ऐसा कहकर महल के दरवाजे खोल दिए गए और उन्हें राजसी स्नान गृह ले जाया गया। स्नान गृह देखकर लड़कों का मुंह खुला रह गया। संगमरमर से बना स्विमिंग पूल साथ में बड़े बड़े टब्स में गर्म और ठंडा पानी भरा हुआ था, जिसमें फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थी। महंगी खुशबू वाले तेलों की सुगंध हवा में फैली हुई थी। सबने नहाना शुरू किया तो तैरने और कूदने में मजा आने लगा और समय का पता ही ना चला। सब नहा रहे थे कि इतने में एक संतरी आया और उसने दूसरा दरवाजा खोला। एक लड़के ने सबको चेताया, अरे भाइयों, दूसरा दरवाजा खुल गया है, हमें आगे चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद सबको शरीर से लपेटने के लिए मुलायम टॉवल्स दी गई। दूसरा दरवाजा कपड़ों की चमक। दूसरे कक्ष में बड़े बड़े कांच लगे हुए थे, यहां सबको बेशकीमती कपड़े और इत्र दिए गए। लड़के सब तरह के कपड़े पहन पहन कर देखने लगे, एक दूसरे से अपनी तुलना करने लगे। थोड़ी देर बाद तीसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरा दरवाजा जीभ का स्वाद। कुछ लोग अभी भी कपड़े पहनकर देख रहे थे, कुछ लोग अगले कक्ष में गए। यहाँ रात्रि भोजन का आयोजन था, रसदार फल, मसालेदार व्यंजन, मीठे पकवान और कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। सब लोगों ने मन भर के भोजन किया। तभी चौथा दरवाजा खुला। चौथा दरवाजा मनोरंजन की मदहोशी। चौथे कमरे में मनमोहक संगीत बज रहा था, जिस पर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही थी। संगीत की मधुर धुनों और नर्तकियों के लावण्य ने युवाओं को मोहित कर लिया। वे नृत्य में खो गए और भूल गए कि वे यहाँ क्यों हैं। थोड़ी देर बाद एक और दरवाजा खुला। पांचवा दरवाजा मजे की थकान। पांचवें दरवाजे में कम रोशनी थी और मधुर ध्वनि में संगीत बज रहा था। शीतल हवा चल रही थी और सामने कई सारे मखमली गद्दे बिछे हुए थे। काफी समय हो गया था, इसलिए सबको कुछ देर विश्राम करने को कहा गया। जो लड़के दूसरे कमरों से आ रहे थे वे भी फटाफट लेट गए। सब लोग दिन भर से थक गए थे, इसलिए जल्द ही सो गए। आखिरी घंटी। थोड़ी देर बाद एक घंटी बजी, सबको जगाया गया। एक मंत्री ने आकर जवान लड़कों से कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, प्रतियोगिता खत्म हुई। युवक हैरान थे, उन्होंने पूछा, लेकिन महोदय, हम तो राजा से मिल ही नहीं पाए, हमारी परीक्षा ही कहां हुई? मंत्री ने कमरे के कोने में एक दरवाजा दिखाया और कहा, यह आखिरी दरवाजा सबके लिए खुला था, अगले कक्ष में राजा आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप में से कोई भी अगले कक्ष तक पहुंचा नहीं। अब परीक्षा का समय समाप्त हो गया, आप लोग अपने अपने घर जाइए।
एक अकेला। असल में एक लड़का राजा के कमरे तक पहुंच गया था। अगले दिन राजा उस लड़के को गौतम बुद्ध के पास ले गए। गौतम बुद्ध उस लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे चुन लिया, लेकिन राजा चयन से खुश नहीं था। राजा का संशय। राजा ने कौतूहल से पूछा, महात्मन आपने ये परीक्षा क्यों ली, और इस साधारण से लड़के में वो कौन सा गुण है जिसके कारण आपने इसे तत्काल चुन लिया? कृपया मेरे संशय दूर करें। इंद्रिय सुख। गौतम बुद्ध कहते हैं, राजन हर इंसान अपनी इंद्रियों से इस संसार से सुख निचोड़ने की कोशिश करता है। इंसान आंखों से सुंदर शरीर देखना चाहता है, नाक से खुशबू, जीभ से स्वाद और कानों से मधुर आवाज सुनना चाहता है और स्पर्श से चिकनी सतह छूना चाहता है। ये इच्छा उसकी लगातार बनी रहती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे खुशी और संतुष्टि प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजा ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्योंकि मैं अनुभव से जानता हूं कि अच्छी चीजों से तो सुख मिलता है। कुत्ता और हड्डी। गौतम बुद्ध ने कहा, जब कुत्ता बहुत देर तक हड्डी चबाता है तो उसके मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। उसे खून का स्वाद अच्छा लगता है और बेचारे प्यारे कुत्ते को लगता है कि हड्डी में बहुत रस है। वो बार बार हड्डी चबाता है और मसूड़ों को जख्मी कर लेता है और बाद में खुद व्याकुल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान किसी सुख का भोग करता है तो उसे सुख को भोगने की इच्छा कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। इच्छा के साथ मन भी शांत हो जाता है। जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही जो शांति या आनंद पहले से मौजूद था वो महसूस होने लगता है। यही स्थायी खुशी का स्रोत है। खुशी विचारों के खालीपन के कारण यानी शांति के कारण महसूस होती है, ना कि बाहरी वस्तुओं के कारण। जैसे सूखी हड्डी में कभी रस था ही नहीं, वैसे ही राजन चीजों में, लोगों में कभी से खुशी नहीं थी। परंतु प्यारा भोला इंसान ये बात भूल जाता है और इसी भूल में इंसान का बहुत नुकसान होता है। जवानी का भ्रम। गौतम बुद्ध कहते हैं, खासकर जवानी में शारीरिक सुख के पीछे भागते भागते इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन खोकर मन और शरीर को कमजोर बना लेता है। ऐसा कमजोर इंसान बहुत दुखी रहता है क्योंकि वो अपनी इच्छा शक्ति खो देता है। उसे शरीर के सुख का सच तब समझ आता है जब उसका शरीर बीमार हो जाता है, जब जवानी निकल जाती है और उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। इसलिए नौजवानों को सुख पाने की कोशिश में जो गंदी आदतें पड़ी हैं उन्हें अभी से त्यागना शुरू कर देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने इस लड़के को चुना क्योंकि जो इंसान शरीर के सुखों के पीछे नहीं भागता, अलर्ट रहता है, उसकी बुद्धि बुरे समय में भी भ्रमित नहीं होती। उसके पास एकाग्रता और आत्म अनुशासन होता है। वो अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलता। ऐसा युवक विद्या आसानी से अर्जन करता है। इस लड़के में ये सारी खूबियां हैं जो इसके साधारण रूप में छिपी हुई हैं। राजा ने पूछा, महात्मा एक आखिरी शंका का समाधान कीजिए, इंसान सुख के नशे का त्याग कैसे करे? गौतम बुद्ध कहते हैं कि तीन बातें समझो। पहली, मौन में डुबकी लगाओ। जो एक बार शांति का आनंद चख लेता है उसे दूसरे सुख फीके लगने लगते हैं, इसलिए मन को शांत करके मौन के आनंद को जानो। दूसरी बात, बुरी आदतों की क्रेविंग कंट्रोल करो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि समझदार इंसान अगर स्वर्ग में भी है, जहां उसके चारों तरफ नाना प्रकार के सुख मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में भी समझदार इंसान अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल करता है और मन को शांत करने में ही खुशी लेता है। ऐसे इंसान को कोई भी भ्रम हरा नहीं सकता। तीसरी बात, जागरूक मन की आदतें। जो नौजवान अपने मन को जीतना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को चरम पर ले जाना चाहते हैं, उन्हें खुद पर विश्वास करके मन को शांत करने वाली आदतों में लगाना होगा। जैसे जैसे इंसान अपने अंदर के आनंद को जानता जाएगा, बाकी भ्रम अपने आप टूटते चले जाएंगे। दोस्तों, कैसे एक जवान युवक ने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया,
और जेन मास्टर से अकेलेपन का सही इस्तेमाल करने के 3 स्टेप सीखे। एकांत की शक्ति पर अगला वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।